नमस्कार, मैं हूं बबीता और स्वागत है आपका बबीज किचन में। तो आज की रेसिपी है फटाफट से बनने वाली, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी। तो ये जो रेसिपी है ये है दही बड़े की, और दही बड़े वो भी नॉन फ्राइड, बिल्कुल बिना फ्राई करे, बिना एक भी बूंद तेल का इस्तेमाल करे हुए ये हम बनाएंगे। तो इसके लिए ली थी मैंने चने, मूंग और उड़द की दाल इक्वल क्वांटिटी में, और इसे मैंने 5 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया। तो ओवरनाइट इसे आप सोक कर सकते हैं, या फिर सुबह भिगा दीजिए और शाम को इसे बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लिया है। तो ये दाल जो है हमारी पिस चुकी है, इसके बाद इसे हमें फेंटना है। आप चाहें तो अब मिक्सी के जार में ही इसे फेंट सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बीटर ना हो तो आप इसे 5 से 7 मिनट हाथ से ही फेंट सकते हैं। दाल बिल्कुल हल्की हो जानी चाहिए। इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा पोर्शन जो है डालेंगे पानी के ऊपर। पानी में हम थोड़ी सी दाल डालते हैं, और अगर वो तैर जाती है तो इसका मतलब आपकी दाल जो है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं या फिर बीटर से। मैंने बीटर से इसलिए फेंटा क्योंकि मेरे हाथ में कुछ समय पहले सर्जरी हुई थी, इसकी वजह से मेरे हाथ से मैं बहुत देर तक नहीं फेंट सकती। तो दाल देखिए इस तरीके से फ्लफ़ी और हल्की हो जाएगी, तब आपकी जो दाल है वो रेडी है। अब आगे हमें करना क्या है, एक लेना है इडली का स्टैंड। अगर इस तरीके का स्टैंड ना हो तो आप कटोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हमने ग्रीस कर दिया है, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे यही हमारा जो बैटर हमने तैयार किया है, थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे। तो दाल हमारी पिस कर देखिए कितनी स्मूथ और वाइट बिल्कुल दिखने लग गई है। कोई भी नहीं जज कर पाएगा कि इसमें मूंग और चने की दाल भी मिक्स है। तो आप बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर जो है सारे मोल्ड्स में डाल दीजिए, और इसको स्टीम करने रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक तैयार करेंगे हम दही। तो दही यहाँ पर मैंने ताज़ा जमाया हुआ दही लिया है, और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है। चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाज़ार जैसा ही दही बड़ों का टेस्ट चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालें। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम दही में सिर्फ 1 चम्मच भरकर चीनी डाली है। तो दही हमारा फिट कर तैयार है। इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है, और इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो हम जब दही बड़े सर्व करेंगे तो हमें ठंडा ठंडा दही चाहिए होगा। या तो आप इसे पहले से तैयार करके रख लें, या फिर उसी समय ताज़ा ताज़ा तैयार करें। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी चटनी का। तो यहाँ पर हम हरी जो खट्टी मीठी चटनी है वो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी इमली और पुदीने के ढेर सारे पत्ते, और 2 लाल मिर्च जो पानी में भीगी हुई थी वो ली है। इसमें हम डालेंगे 1 बर्फ़ का टुकड़ा, और साथ में डालेंगे चीनी और नमक। तो थोड़े से पानी के साथ इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम बर्फ़ इसलिए डालते हैं ताकि जो पुदीने का जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहे, और ये जो काला ना पड़े, क्योंकि पुदीने की चटनी अक्सर रखने के बाद जो है वो काली पड़ जाती है, या थोड़ा उसका डार्क कलर हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक और चीनी भी डालेंगे। इससे एक बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं इसी तरीके से चटनी बनाती हूँ। अगर आपको ऐसी पसंद नहीं है, प्योर आपको ग्रीन ही चाहिए बाज़ार जैसी, तो आप धनिया पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं। देखिए जब तक हमने दही और ये सब तैयार किया, तब तक हमारी जो दही बड़े हैं वो स्टीम होकर रेडी हो चुकी है। देखिए कितने फ्लफ़ी बने हैं। तो ये हमने तैयार कर लेना है। अभी इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अब ये गर्म है तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा ठंडा होने रख दिया। तब तक हम लेंगे 1 सर्विंग डिश में पानी। तो पानी ले लिया, यहाँ पर आप उबाल कर ठंडा हुआ पानी भी ले सकते हैं। उसमें डालेंगे हम नमक। तो 1 चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया है, और इसमें डाल दी है हींग। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो हींग और मिर्ची पाउडर और नमक है ये हमारे बरों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो हमारे बरे हैं वो हमने निकाल कर इस पानी में सोक कर दिए हैं। हींग डालने से डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, और इसका टेस्ट भी बढ़ा देती है वो। और साथ में क्योंकि उड़द की दाल और चने की दाल होती है, वो पेट के लिए हमारे थोड़ा सा हींग जो है उसको डाइजेशन करने के लिए अच्छी होती है, तो बस इसलिए हम डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैंने पानी को थोड़ा दबा कर निकाल लिया है, और ये हमने सर्विंग प्लेट में ये 2 बड़े डाल दिए। ऊपर से हम ये मीठा दही डालेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कवर अप कर दीजिए, अच्छे से दही सारे में स्प्रेड कर दीजिए। दही बड़े से हमने पानी स्क्वीज़ कर लिया, तो ये पानी जो निकलने के बाद दही बड़े हैं वो दही को अच्छे से अब्सॉर्ब करेंगे। इसके ऊपर खट्टी और मीठी दोनों तरीके की चटनी डालेंगे। तो यहाँ पे जो मीठी चटनी है वो मैंने खजूर और इमली से बनाई है। ऊपर से डालेंगे हम काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर। तो भुना हुआ जीरे का पाउडर आप डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिए और अनार के दाने से गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा दही ऊपर से आप और डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के अनुसार। जो भी आपको चेंजेस करने हों वो आप कर सकते हैं।
खजूर इमली की जो मीठी चटनी हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है उसकी वीडियो है, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसे आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे बहुत सारी ढेरों नई नई हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।